बीजेपी के केशव पर शिवपाल को आया गुस्सा। अखिलेश के नए दुश्मन केशव पर शिवपाल का वार। केशव पर उखरे शिवपाल, सीएम योगी से करेंगे बड़ी मांग। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव क्या योगी के करीबी हैं? आखिर ये हम क्यों कह रहे हैं कि शिवपाल के लिए सीएम योगी अपने भतीजे से भी ऊपर हैं? शिवपाल के लिए योगी खास हैं। अगर शिवपाल अपने भतीजे अखिलेश यादव से बदला लेने के लिए बेकरार हैं, तो उनके निशाने पर बीजेपी संगठन में बेहद ही खास योगी सरकार में डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य क्यों आ गए हैं? और डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने आखिर ऐसा क्या कर दिया कि खुलेआम शिवपाल ने उनके खिलाफ कमर कस ली? शिवपाल ने केशव के खिलाफ सीएम योगी से एक बड़ी मांग कर दी है, और क्या सीएम योगी शिवपाल की मांग पर डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के खिलाफ एक्शन लेंगे? बताएंगे आपको कि शिवपाल ने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए क्या मांग की है। लेकिन सबसे पहले हम क्यों कह रहे हैं कि शिवपाल सीएम योगी के करीबी हैं, योगी से उनका रिश्ता बेहद ही खास है, इसे समझने के लिए शिवपाल के कई महीनों के बयान को खंगाल मारिए। उसमें जो बात सामने आएगी वो यही होगी कि शिवपाल ने कभी भी सीएम योगी के खिलाफ कुछ नहीं कहा। जब भी उन्होंने निशाने पर लिया है तो सिर्फ उनके नेता थे, उनके मंत्री और उनके अफसर थे, लेकिन नहीं थे तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव को सीएम योगी की ईमानदारी पर आंख मूंद कर विश्वास है, और अपने इसी विश्वास की बदौलत शिवपाल अक्सर योगी से भ्रष्ट सिस्टम के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते रहे हैं। अभी 2-3 दिन पहले की बात है, शिवपाल ने जब डंके की चोट पर यह ऐलान किया कि 2024 में केंद्र की सत्ता में प्रसपा शामिल होगी, सरकार में रहेगी, तो उसी दौरान यूपी में बीजेपी सरकार में भ्रष्टाचार के मुद्दे को भी उठाया, जिसमें उनके निशाने पर मंत्री से लेकर अफसर थे, लेकिन नहीं थे तो सीएम योगी। शिवपाल सिंह यादव ने भाजपा सरकार में नौकरशाही के निरंकुश होने और भ्रष्टाचार का भी गंभीर आरोप लगाया है। कहा कि नौकरशाही जनता की सुन नहीं रही है, मुख्यमंत्री रोज चिल्ला रहे हैं, लगातार भाषणों में बोल रहे हैं, लेकिन नौकरशाही के कानों पर जू नहीं रेंग रही है। भ्रष्टाचार लगातार बढ़ रहा है, मुख्यमंत्री रोज कब्जा करने वालों की बात करते हैं, लेकिन लगातार कब्जा बढ़ता जा रहा है। तो देखा आपने, जान लिया शिवपाल के लिए सीएम योगी क्या हैं। लगता है भ्रष्टाचार के मुद्दे सीएम योगी की जीरो टॉलरेंस नीति के शिवपाल मुरीद हैं, इसलिए वो सीएम योगी को तो खुलेआम वॉकओवर दे रहे हैं, लेकिन उनके निशाने पर हैं तो सिर्फ बाबूशाही। अब चलिए उस बात पर आते हैं, आखिर शिवपाल ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के लिए सीएम योगी से क्या मांग की है, वो भी जान लेते हैं। शिवपाल ने कहा कि जिस तरीके से भूमाफिया और कब्जा करने वाले लोगों के खिलाफ बुलडोजर चल रहा है, वो मांग करते हैं कि सत्ता में रहने वाले जो लोग कब्जा कर रहे हैं उनके खिलाफ भी मुख्यमंत्री बुलडोजर चलाएं। सत्ता में रहने वाले ये लोग कौन हैं जिन पर प्रसपा अध्यक्ष शिवपाल यादव सीएम योगी से उनके मंशे पर बुलडोजर चलाने की मांग कर रहे हैं? तो जान लीजिए, सत्ता में बैठे वो लोग डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य हैं। दरअसल शिवपाल सिंह यादव ने डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य के करीबी भाजपा नेता पर एक आरोप लगाया। केशव के उस करीबी स्थानीय एमएलसी पर प्रसपा के मंडल प्रभारी श्री प्रकाश राय उर्फ लल्लन राय के मकान पर अवैध रूप से कब्जा करने के संगीन इल्जाम मंड दिए। अब अपनी इसी समस्या के समाधान का भरोसा शिवपाल को योगी से है, इसलिए शिवपाल ने योगी दरबार में शब्दों से रचे आरोपों को भेजा है। शिवपाल ने कहा, मकान पर अवैध कब्जे के मामले में वो खुद मुख्यमंत्री से भी लिखित तौर पर शिकायत करेंगे। यानी साफ है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य से दो दो हाथ करने के लिए शिवपाल तैयार हैं, और अपनी इस लड़ाई में शिवपाल को योगी का साथ चाहिए।